इनको रेलवे मिनिस्टर कहने की गलती मत करना, ये एंटरटेनमेंट मिनिस्टर है। जहाँ भी जाते हैं, जिधर भी जाते हैं, सबको एंटरटेन करते हैं। इंडिया के लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को, जिधर भी जाए दुनिया में सबको एंटरटेन करते हैं। बहुत ही मज़ेदार इंसान था, मंत्री था पाकिस्तान का। तो आज उसी पे मिक्स मैसिव रिएक्शन देखने वाले हैं। पाकिस्तानी बकलाव मिनिस्टर शेख रशीद अहमद रॉस ट्यूब्रो ऑफिशियल। यस, तो देखते हैं फिर इस पे मिक्स पैसे रिएक्शन। आपको मिक्स रिएक्शन देखने में मजा आया, वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो वीडियो लिंक और एक्टर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कानों में हेडफोन लगा लेना आज। सर, आप पाकिस्तानी आवाम के बारे में क्या सोचते हो? ये बेकरतूते, झूठे, नलायक, निकम्मे, निकट्टू, चोर, खाइन, बददियानत, अल्लाह के नबी के नामूस रसालत के दुश्मन, इन पे मैं 101 करोड़ मर्तबा लानत भेजता हूँ। तो दोस्तों, आज भाई मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तानी सुअर, मेरा मतलब बाला होता है, पाकिस्तानी मंत्री कम हलवाई कम कॉमेडियन शेख रशीद अहमद के बारे में, जो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडियन बनकर उभरा है। ये अपनी कॉमेडी से भारत का मनोरंजन तो कर ही रहा है, साथ साथ पाकिस्तानी लोगों व इमरान खान का भी बखूबी मनोरंजन कर रहा है। भाई, ये चूतिया है तो पाकिस्तानी रेल मिनिस्टर, लेकिन रेल मिनिस्ट्री को छोड़कर हर मिनिस्ट्री में ज्ञान चौधरी नजर आता है। पाकिस्तान में ट्रेन लेट या ट्रेन किसी हादसे का शिकार हो, लेकिन इस चूतियों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसे तो भारत के खिलाफ बयानबाजी करने से फुर्सत नहीं मिलती। इसके रेल मिनिस्टर बनने के बाद पाकिस्तानी रेलवे की हालत ये हो गई कि पाकिस्तानी रेलवे के कर्मचारी ही इसकी गांड मारने को इसके पीछे भाग पड़े, लेकिन बंदा कैसे भी करके बच निकला। भाई लोग, ये चूतिया कभी भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी देते नजर आता है, तो कभी भारत के टुकड़े करने की, यहाँ तक कि ये चूतिया भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की तारीख तक घोषित कर चुका है। मैं अक्टूबर के आखिर और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग होती हुई देख रहा हूँ। इतना ही नहीं, ये 100 ग्राम और 250 ग्राम के स्मार्ट बम से भारत को तबाह करने की धमकी तक देता है। अगर आप लाहौर की तरफ बढ़े तो हमने स्मार्ट बम रखे हुए हैं, जो सिर्फ उन टैंकों को, उन तोपखानों को और उन फौजियों को जो पाकिस्तान पर हमला होंगे उनको उड़ाएंगे। हमारे पास हर साइज का मसाला है, हमारे पास छोटी गोली भी है चूरन की, बड़ी गोली भी है, हमारे पास चूरन की हर तरह का मसाला है, आप आए सही। मेरी तो ये समझ नहीं आता कि ये चूतिया परमाणु बम की बात कर रहा है या सूतली बम की, जो हम लोग दिवाली पर फोड़ते हैं। और भाई, सोचने वाली बात ये है कि भारत को आए दिन परमाणु बम की धमकी देने वाला, भारत के टुकड़े करने जैसे बयान देने वाला चूतिया फट्टू 1998 में पाकिस्तान में हुए परमाणु बम परीक्षण के दौरान डर के मारे पाकिस्तान छोड़कर भाग गया था। जब एटॉमिक ब्लास्ट होना था तो आप यकीन करें सारी रात मैं सजदे में पड़ा रहा कि या अल्लाह, इन इन सारे लोग जो 4-5-6 लोग हैं जो फैसला कर रहे हैं, इसमें मैं ही एक कमजोर आदमी हूं जिसके वालिद का कोई नाम नहीं है। मैं सबसे, मुझे पता था कि कब और किस वक्त ये होना, जाहिर है मैं कर तो रहा है ना इंफॉर्मेशन को। आप यकीन करें सुबह की फ्लाइट पकड़ के मैं निकल गया, मैं इतना खौफ ज्यादा था, मैंने कहा इतना हसास मसला है, कोई पटाखा आगे पीछे हो जाए, कोई और मसला हो जाए, कहीं से लीकेज हो जाए, मैं पाकिस्तान से चला गया। काम हो गया सारा। मैंने कहा फ्लाइट अगली कब जाती है, उसने कहा जी खाना, मैंने कहा खाना खा के जाऊंगा, अगली फ्लाइट में मैं पाकिस्तान आ गया। क्या चुतियापा है यार ये, भैंचो इसके जैसे फट्टू करेंगे भारत पर न्यूक्लियर अटैक। भैंचो, जो बंदा मंत्री होने के बावजूद एक टुच्चे से परमाणु परीक्षण के दौरान डर के मारे पाकिस्तान छोड़कर ही भाग गया था, उसको ही पाकिस्तान की जनता वोट देकर मंत्री बनाए बैठी है। अब भाई खुद सोचो, जितना बड़ा चूतिया ये है उससे कहीं ज्यादा चूतिया है पाकिस्तानी आवाम, जो इस भैंचो को हर बार वोट देकर मंत्री बना देते हैं, जबकि जनता की रक्षा करने वाला, जनता का हिमायती चहेता शेख रशीद परमाणु परीक्षण के डर से ही पाकिस्तानी लोगों को लोड़ा दिखा के देश छोड़कर भाग गया था। और हाँ भाई लोग, जो 1998 में परमाणु बम परीक्षण किया गया था वो भी इनके जीजा चीन का था। अरे भोसड़ी वालों, तुमसे लुंगी संभलती नहीं और तुम भारत के टुकड़े करोगे। भाई वो चूतिया है जिसे पाकिस्तानी जनता जूता फेंक के मारती है, ये वो चूतिया है जिसे पाकिस्तानी आवाम गाली देती है। ये वही चूतिया है जिसे लंदन में लात घुसे और अंडे फेंक के मारे जाते हैं। हाँ हाँ, ये वही चूतिया है जिसे मोदी के नाम से ही करंट लग जाता है। हम तुम्हारी मोदी नियतों से वाकिफ हैं। अच्छा जी, तुम्हारा रस कष्ट कोई बात नहीं,
इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो ये चूतिया खाने का बहुत बड़ा शौकीन है, इसलिए सुअर शब्द के एस लेटर को चुराते हुए इसने अपना नाम भी एस लेटर से शेख रसीद रखा। यकीन नहीं आता तो इसके खाने का तरीका देख लो, खुद समझ जाओगे। आवाजें भी तबातर के साथ आ रही हैं। भाई इसके खाने का तरीका बयान कर रहा है कि पाकिस्तान में नान रोटी को लेकर क्या हालत है। जब इस जैसा मंत्री खाने पर इस तरह टूट के पड़ रहा है तो आम लोगों की हालत क्या होगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। दोस्तों लोग जीने के लिए खाते हैं, मगर ये हलवाई भैंचोद खाने के लिए जीता है। ये बंदा खाने का इतना बड़ा हवसी है कि खाना ना मिले तो टट्टी में ही मुंह मार देता है। और भाई इसने अभी तक शादी नहीं की, और शादी ना करने का कारण है बस यही अपराध मैं 10 बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार। अगर इसकी निजी जिंदगी को करीब से देखें तो इसके समलैंगिक होने से पूरी तरह से मना भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल लड़की की अपेक्षा लड़कों की तरफ ज्यादा रहता है। अपनी सियासी जिंदगी में शेख रशीद खुद कई बार अपने साबिक कायद मियां नवाज शरीफ को खुशी में चूम चुके हैं। नवाज शरीफ ने भी उनसे अपनी मोहब्बत का इसी तरह इजहार किया। भाई ये वो बंदा है जिसकी गांड पर फुंसी निकल आई तो ये शीशे के सामने बैठकर उस पर दबा लगा रहा था, और तभी अचानक इसका खड़ा हो गया तो ये उसे देखकर बोला, अरे बैठ जा भाई बैठ जा, अपनी ही गांड है। बस यार A square is equal to A plus B, ये सारा A plus B है, ठीक होगा इंशाल्लाह। A plus B समझती है ना जी, A square is equal to A plus B, ये 8वीं में मैंने पढ़ा था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। क्या बात है यार, बहुत ही मजेदार वीडियो थी, मतलब कि टीपरू भाई ने मजे को और दुगना कर दिया। वैसे बंदा बहुत एंटरटेनिंग है, खाना खाते हुए तो एंटरटेनमेंट देता है, न्यूज़ डिबेट में जाता है तो एंटरटेनमेंट जाता है, जिधर जाता है जहाँ जाता है एंटरटेनमेंट की डोज दे देता है। बहुत ही मजेदार था, प्योर 24 कैरेट खरा कॉमेडियन था, काहे को मिनिस्टर बन गया। तो ये थी आज की मिक्स में, मजा आती वीडियो, लाइक जुगना चैनल सब्सक्राइब करो, तो मिलते दूसरे वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।